हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो आज का ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, एक क्लास होने वाला है प्रॉपर, क्योंकि अब तो जान पहचान हमारी हो चुकी है और पेशेंस के साथ कोशिश करेंगे कि जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है आपका टीचर, तो आप उस मैसेज को ग्रैस्प कर पाए, ठीक है? और क्यों ग्रेस्प करना है, ये पिछले दो क्लासेस में आप समझ चुके हैं कि यूपीएससी की तैयारी केवल ज्ञान के आधार पर एकदम से शुरुआत करने पर आप आर्टिफिशियल ट्रैप में फंसने के चांसेस रहते हैं और हमें वो नहीं करना है। तो जो करना है वो क्या है, उसके लिए आज का लेक्चर है स्पेशली। तो मेरे बारे में परिचय आपको पता है, जिसको नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट क्लास में हमने आपको जहां छोड़ा था वहां हमारा था लर्निंग थ्रू गुड बुक्स, याद आया? यहीं पर हमने आपको छोड़ा था कि जो हमारा प्रोसेस है वो एनसीईआरटी पढ़ने से या जबरदस्ती सिलेबस स्टार्ट कर देने से नहीं होगा, कुछ अच्छी किताबें पढ़ने से होगा, अपने अंदर पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना है दोस्त, ठीक है? तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई ज्ञानी हूं। हाँ, छोटा मोटा कलेक्शन एक मेरे रूम में भी है। तो ये मेरा लकड़ी का एक तख्त है जिसपे मेरे नोट्स वगैरह पड़े रहते हैं, बाकी बुक्स है मेरे पास कुछ। ये मुझे पढ़ने का शौक है, ऐसे टेंशन मत लेने लगे कि मुझे यूपीएससी करना है तो इतनी सारी किताबें पढ़नी होंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक शौक है। प्रगति मैदान जब भी जाते हैं तो अपना शौक पूरा कर लेते हैं, ठीक है? टाइम मिलता रहता है, अब तो काफी एज हो गई है तो पढ़ भी लेते हैं। आपके लिए क्या है आज, उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हमें अपनी पर्सनालिटी, अपनी जो हमारी मजबूतियां हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको कैसे इंप्रूव करना है, यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले हमें इन पर काम करना होता है, ठीक है दोस्त? तो खासकर जो लोग अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि आप कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इन बुक्स के माध्यम से होता क्या है बेटा, हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर जो खूबियां हैं वो क्या हैं और किस दिशा में जाने के हमारे पास चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। कैसे पता चलता है, मैं आपको बताता हूं इस चीज को। एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था, अमर्त सेन सर की बुक थी, नोबेल लॉरेट, भारत और इसके विरोधाभास। आप लोगों ने भी शायद पढ़ी होगी इसको। इंडियाज ग्लोरी एंड इट्स कंट्रडिक्शंस एक्चुअली। तो इस बुक को जब मैंने पढ़ा तो देखा कि जो शुरुआत हो रही है, जो ऑथर ने शुरुआत की है इस किताब की, उन्होंने मणिपुर की किसी वैली से स्टार्ट किया अपने आप को लिखना। मणिपुर की एक घाटी का सुंदर पर्यावरणीय एक मनमोहक दृश्य उन्होंने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया। मैं तो एक मिनट के लिए ना शॉक्ड रह गया कि यार ही इज द लाइक ना रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट एक्चुअली, वो एक बड़े अर्थशास्त्री हैं और कहां ये इन घाटियों की खूबसूरती से अपना ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो पता है, इसने मुझे एक नया परसेप्शन दिया कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में महारत हासिल करते हैं तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए खुद को अन्य विषयों की जानकारी या अन्य आकर्षित तरीके भी सीखने होते हैं, अदरवाइज आप ऑडियंस के मन में कोई भी एक अच्छा भाव उत्पन्न करने से थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इस अच्छे भाव उत्पन्न करने के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या लेना देना, यह भी आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है। तो दोस्त, लेना देना तो बहुत कुछ है, लेना देना तो यहां बहुत कुछ है हमारे पास। समझिए, आपने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है? एक दिन, दो दिन, चार दिन तो आपको बहुत इंटरेस्ट आया कि कुछ नया लग रहा है, लेकिन इसके बाद जैसे ही आप दूसरे टॉपिक पर जाते हैं, लेट्स से पॉलिटी पर,
अब क्या होता है, आपको ये चीज तो अच्छी लगने लगती है और इसका जो रस है वो जाने लगता है, इसका जो भाव है वो जाने लगता है। यूपीएससी केवल आपसे पॉलिटी नहीं पूछने वाला, केवल आपसे ज्योग्राफी नहीं पूछने वाला, केवल साइंस टेक पढ़ के आईआईटी से ग्रेजुएट होने का डजंट मीन कि आप आईएएस बन गए, ठीक है। तो यूपीएससी जो चाहता है दोस्त, वो चाहता है आपसे आपके भावों को, आपकी इमोशंस को, आपके थॉट्स को, व्हाट आई एम सेइंग, इमोशंस, थॉट्स, योर एनालिटिकल अप्रोच, मतलब किसी इवेंट, किसी भी चीज, किसी दृश्य को देखकर आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं और उन भावों को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो डोंट थिंक कि मैं आपको आंसर राइटिंग सिखा रहा हूं। आंसर राइटिंग मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, हजारों की तादाद में आपके पास क्लासेस है, आप देख लीजिए। लेकिन आंसर राइटिंग में जो मैं बेस्ट स्कोर्स लेकर निकला हूं, हिंदी मीडियम से लेकर निकला हूं यूपीएससी में, तो स्ट्रेटजी क्या था, मेरी टैक्टिक्स क्या थी, उन चीजों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। और वो टैक्टिक्स यही हैं कि मुझे ये समझ में आ गया जब मैं इंडिया इट्स ग्लोरी एंड कंट्राडिक्शंस पढ़ रहा हूं कि दोस्त इकोनॉमिस्ट होना ओके फाइन, लेकिन आपका जो ऑडियंस है, आपको जिस पब्लिक के साथ में काम करना है, उनके सेंटिमेंट को समझना भी बहुत जरूरी है एज ए ब्यूरोक्रेट और एज अ पॉलिसी मेकर। तो तैयारी के दौरान ये जो पार्ट है दोस्त, ये तो हो गया आपका सिलेबस पार्ट। क्या हो गया दोस्त? सिलेबस पार्ट। तो सीधा यहां नहीं जाना है, पिछला क्लास याद आया, कहां जाना है, अच्छी किताबें पढ़कर अपने अंदर उन क्षमताओं को विकसित करना, उन अप्रोचेस को विकसित करना, जिससे आप इस प्रोसेस को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए, ठीक है। तो दोस्त ऐसा मत समझिए कि इसके लिए कोई अलग से कोर्स होगा, कोई भी कोर्स आपको 50 घंटे का कोर्स हो जाए आप नहीं सीख पाएंगे, अनटिल अनलेस यू योरसेल्फ डोंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पार्ट। तो आज उपेंद्र सर इसीलिए तो आपके सामने है क्योंकि मैंने ये जिया है, मैंने इसको किया है खुद से, ठीक है दोस्त। कैसे किया है? एक ही बुक नहीं थी, कई सारी किताबों को पढ़ा दोस्त। किताबें पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आता था, लेट्स से अगर मैं बात करूं आपके सामने जे कृष्णमूर्ति, ठीक है, आपको ये सारी किताबें पढ़नी नहीं है, लेकिन मैं आपको ग्लिम्स बता रहा हूं कि कैसे इसको मैंने अपनी अंदर डेवलप किया। जे कृष्णमूर्ति सर की जो बेस्ट किताब मुझे लगी, जो उनके थॉट्स, एक्चुअली उन्होंने कोई किताब तो लिखी नहीं है, उनके थॉट्स का कलेक्शन है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। ज्ञात से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, पूरे टाइटल को अगर आप पढ़ेंगे ना, इस टाइटल से पूरी कलेक्शन जो वो किताब है शायद आपके दिमाग में छप चुकी होगी, छपी या नहीं। ज्ञात, जो अभी तक आपने ज्ञान इकट्ठा किया है उससे मुक्त होना है, ठीक है। तो जब मैंने उन थॉट्स को पढ़ा पहली बार तो मतलब ना ऐसे में किसी दूसरे प्लेनेट पे ही चला गया, इतना डूब गया उन चीजों में। फिर मैंने मल्टीपल टाइम्स उस नॉवल को पढ़ा, अभी मैंने अपने एक मित्र को वो चीज देर वो मतलब डोनेट कर दिया, उन्होंने उनको पढ़ा, और मुझे भी मेरे सर है जो मेरे गार्जियन है नरेंद्र सर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था तो मैंने ये चीज पढ़ी। उसके बाद मैंने उनका सारा कलेक्शन मंगाया और मैंने उसको गो थ्रू किया तो मेरी एक थॉट प्रोसेस बनी। आपको ये चीज नहीं करनी है, हर किसी के पास इतना पैसा होगा जरूरी नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो हॉबीज है ये वाकई में आपको एक बेहतर इंसान बना सकती हैं। और जो आप आज का थंबनेल जो पोस्टर देखकर आए थे, इवेंट को मोमेंट बनाना और मोमेंट को इवेंट बनाना,
उसका जो बेस है उपेंद्र सर का वो यही है कि मुझे जो चीज लगा, लेट्स से मैं एकात्म भारत का संकल्प दिमाग में, जब आप 1857 पढ़ते हैं आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। आज आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हर किसी के मन में कई सारी भावनाएं आती हैं, तो बजाय वो वायरल वीडियोस और शॉर्ट क्लिप्स देखने के, मेरा ये मानना है कि मैं एक बेहतर किताब में थोड़ा सा इन्वेस्ट करूं और समझूं कि उस टाइम लोगों के दिमाग में चल क्या रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, वीडी सावरकर हो, क्या थॉट प्रोसेस क्या था, क्या वो चाहते थे इंडिया, कैसा इंडिया चाहते थे वो लोग, तो मैं बेहतर एक किताब में निवेश करना ज्यादा बेहतर समझता हूं बजाय इन उल्टे सीधे ख्यालों में पढ़ना। कल को आपको सोशल मीडिया पर, मतलब एक बहुत हॉट टॉपिक हमेशा ही रहता है रिजर्वेशन, पूरा पर कई हजार लोगों ने, मतलब अभी तो मिलियंस में होंगे, उन्होंने इस पर मुझे किया, कई बार घेरने की कोशिश की, लेकिन मैं सेंटिमेंट से ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच पर विश्वास करता हूं। और वो कहां से आता है कि आप क्या सोच रहे हैं मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो सामाजिक न्याय के प्रणेता रहे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, मैं उनको क्यों ना पढ़ूं, क्यों ना उनको समझूं। मुझे जरूरी नहीं है इसके नोट्स बनाकर याद कर लेना है। सुन लीजिए यूपीएससी वाले लोग, आप लोग यही गलती करते हैं कि आप कोई भी किताब लाए उसके नोट्स बनाने लगते हैं, उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज का ये जो पूरा क्लास है कि किसी मोमेंट को इवेंट बनाना और किसी इवेंट को मोमेंट बनाना, वो तभी संभव होता है जब आप ऐसी किताबों से गोथ्रू होते रहते हैं बिना ये सोचे कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को, क्योंकि यहां आपको ना दोस्त आपके थॉट प्रोसेस में चेंज हो जाता है। मैं आपको सही बोलूं तो मेरी पर्सनल लाइफ के ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं तो शायद मैं उसे बेटर तरीके से आपको दिखा पाऊं। ये मेरी पर्सनल लाइफ से कुछ कलेक्शन है थोड़ा सा। इसमें क्या है, ये जनता कॉलेज बकेवर में, वहां के प्रिंसिपल है नल्ली मैम है, HOD थी वहां मैथमेटिक्स में, तो हमें ऐसा लगा कि एज एन एल्यूमिनाई मुझे वहां जाना चाहिए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, तो हमने वहां बच्चों के साथ इंटरेक्शन में एक प्रोग्राम रखा था। अब वहां पर मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मैं ट्रेनर हूं हायर मैथमेटिक्स में, तो मुझे जो डिलीवर करना था मैंने किया। एक अच्छी खासी गैदरिंग आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, तो ये वो इवेंट था। मोमेंट पता इसमें क्या था दोस्त, कि जो सर हैं हमारे एलुमनाई एसोसिएशन को जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने हमसे कहा कि उपेंद्र अपने कॉलेज में क्यों नहीं आ रहे, इंडिया और इंडिया से बाहर इतना काम तुम कर रहे हो तो अपने कॉलेज में भी आओ। दिमाग में क्लिक किया और हमने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और मीडिया कवरेज भी था तो हमें भी अच्छा लगा। ठीक है दोस्त, तो मोमेंट था सर के साथ चाय पीना, लेकिन उसको इवेंट के रूप में शायद ये पिक्चर्स आपको सब कुछ बयां कर देंगी। ठीक है, तो ये इवेंट में क्या हम वहां पर ढोलक मजीरा थोड़ी बज रहे थे, वहां बात हो रही थी, वहां अपने थॉट प्रोसेस एक्सचेंज हो रहे थे। ओके, ऐसे ही देखिए, एक बार हम लोग हरिद्वार में थे। यूजुअली मैं जाता रहता हूँ ऋषिकेश, मतलब वो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो वहां पर हर की पौड़ी पर हम दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना कुछ डिलीवर किया जाए। तो आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन के लिए उस टाइम हम लोग कैंपेन चला रहे थे, तो हमने वहां पर एक चीज, बस एक पता मोमेंट क्या था, मोमेंट ये था कि हम हर की पौड़ी पर नहा रहे थे और हमने कुछ बच्चों को वहां सिक्के कलेक्ट करते हुए देखा। दिमाग वहीं से हट गया, यार IAS बनके भी करेंगे क्या, खुद से पूछिए दोस्त, यही तो करना है। हमने तुरंत वहां अरेंज किया, बोर्ड नहीं था हमारे पास, एक चार्ट लेकर आए और हमने वहां पर बच्चों से बात की, वहां जो क्राउड था उसके साथ बात की, और शायद मेरी लाइफ का एक बेहतरीन मोमेंट आपके सामने मैं दिखा पा रहा हूं। बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना, ये मेरा प्रोफेशनल जॉब है, जो मैं टीचर हूं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या आप भी कल से यही करने लगे, PR टीम रख ले क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये PR टीम की बात नहीं है दोस्त। अपने सपने पर अडिग रहिए, अटेंशन सीकर मत बनिए। अपने सपने के रास्ते में आपको जो जो चीजें मिल रही हैं उन पर अपना बेस्ट करते रहिए।
लॉकडाउन में हमने क्या किया था उसकी भी एक वानगी अगर मैं आपको दिखाऊं, जब सारी की सारी चीजें तहस नहस हो रही थी तब हम ग्राउंड पर उतरे थे। मिस्टर अमित जी हैं, रजनीश जी हैं, पुष्पेंद्र जी शायद नहीं दिखाई दे रहे, सारी टीम पटियायत, मतलब ये हमारा पटियायत मॉडल है जिसको यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। और इसमें आप समझना, मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं और उस मोमेंट में समझिए कितना बड़ा इवेंट छुपा हुआ है। हमने वहां पर जो हमारे दिमाग में था वो ये था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ग्रामीण आत्मनिर्भरता। डोंट थिंक कि मैं आपको बुलेट पॉइंट्स दे रहा हूं और आप अपने मेंस में यूज कर लेंगे, डोंट थिंक लाइक दैट, एक्चुअली इट इज समथिंग एल्स। इन शब्दों से जब 8 महीने पहले मैंने ये कैंपेन स्टार्ट किया था उस दिन मैं अकेला था और आज एक बहुत बड़ी टीम पटियायत हमारे साथ खड़ी है, पूरा का पूरा सिस्टम जिसके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं अटावा डिस्ट्रिक्ट में, और हमने एक पटियायत मॉडल डेवलप करने की दिशा में ऑलमोस्ट वी आर अप्रोच्ड। तो दोस्त यही कह रहा हूं कि अगर मैंने चीजों को पढ़ा ना होता, मुझे पता ना होता कि राइट टू एजुकेशन के अंडर में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC जिसको बोलते हैं, उसके पास पावर होती है, वो अपने विद्यालय को रन कर सकती है। इस पूरे के पूरे मॉडल में राम जन्म सर के साथ हम लोग आगे बढ़े थे, इज SRG इटावा, तो हमने वहां से ये काम शुरू किया। तो ये लॉकडाउन में जब सब बैठे थे, सब ये सोच रहे थे कि कहां पे वीडियो बनाने लगे और कहां पे पढ़ाने लगे, एज ए टीचर मुझे समझ में आया कि इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता, और हम ग्राउंड पर उतरे। हमने बच्चों के साथ, ये देखिए, ये जब पूरा जब सेकंड वेव चल रहा था उस टाइम बच्चों को टीम के लड़के ना योगा सिखाते थे, प्रैक्टिस कराते थे, मैं भी जाता था, मुझे भी मजा आता था। तो दोस्त ये मैं अपनी जर्नी तो आज आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरा मन ऐसा था कि बजाय किताबी बातें करने के, जिसको मैंने खुद जिया है, जिसको मैंने खुद किया है, उन चीजों के सहारे UPSC को अप्रोच कैसे किया जा सकता है और एक बेहतर डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है। तो दोस्त जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमसे ये कहा था कि सर स्ट्रेटजी बताइए तैयारी कैसे की जाए, तो मुझे पता है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आऊंगा, लिखो प्री मेंस इंटरव्यू और इसकी रणनीति बनाओ, पिछले 4 महीने में ये, अगले 5 महीने में ये, और इंटरव्यू टाइम धराशाही हो जाओ, या मेंस के टाइम पे आपको पता ही ना चले कि पढ़ा तो बहुत था, रिपोर्ट तो बहुत तैयार की थी, इंडेसिस तो बहुत तैयार की थी, लेकिन ऐसे लिखते टाइम कि सर वो तो फिलोसॉफिकल पूछ दिया। UPSC इज नॉट अ चाइल्ड, फिलोसफिकल एसेज नहीं थे, एक स्टेटमेंट फिलोसफिकल हो सकता है बट उसका थीम कितने डायमेंशन में जा सकता है, ये जो डायमेंशंस खोलना मैंने सीखा ये सिर्फ अपने नहीं इंटरेस्ट के दम पर सीखा। ऐसा नहीं है कि इसमें मैं दिन रात 24 घंटे बस यही कर रहा हूं, किताबों को रट्टा लगा रहा हूं, नहीं, एक बार किताब पढ़ ली अगर बहुत अच्छी है, कोई डीप थॉट है तो उसको सेकेंड रीडिंग दे दी, नहीं तो अपने दिमाग में ये उतार लिया कि अच्छा ठीक है, मतलब मार्टिन लूथर किंग क्यों गांधी जी से इंप्रेस थे, कोई तो कारण रहा होगा। तो इन चीजों को समझ लिया, दिमाग में रख लिया। हार्डी और रामानुजन क्या कनेक्शन है, यहां का मैथमेटिशियन जिसको यहां कोई पहचान नहीं रहा है वो बाहर जाके ग्रेट मैथमेटिशियन बनता है, तो कारण कहां पर है। तो एक्सपोजर के चक्कर में कई बार चीजें रह जाती है, अटेंशन सीकर बनेंगे तो यही होगा, अटेंशन सीकर नहीं काम करते रहिए, ये आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करती रहेंगी। ठीक है दोस्त, तो जो स्ट्रेटजी का आपने सोचा था वो तो मैंने किया नहीं, और वीडियो भी आपसे पूरा दिखवा ही लिया, तो कीजिए क्या दोस्त, थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी देर नहीं, आज का आपको पूरा जो रात है ना, सोचिए कि उपेंद्र सर कहना क्या चाह रहे थे, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे, क्या मेरे पास तरीके नहीं है, पिछले 13 साल से क्लासरूम टीचिंग कर रहा हूं, आज मुझे ऐसा क्या सूझा कि क्लासरूम टीचिंग से बाहर निकलना मेरा सपना हो गया है, आज मुझे क्या ऐसा हो गया कि मैं घंटों बच्चों से बात करता हूं, UPSC एस्पिरेंट्स हों चाहे PhD स्कॉलर्स हों, क्या मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सामने वाला मुझे बेवकूफ समझ सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको मैं वो स्क्रीनशॉट दिखा दूं तो आपको ये समझ आ जाएगा,
कि मैं किस खुशी को महसूस करता हूं। तो एक आईएएस बनने के बाद चीजें क्या होती हैं, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो लाइफ दे रहा हूं दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट, रियली आई एम सेइंग। ओके डियर, तो यूपीएससी वाले लोग बजाय ये सीधा सिलेबस में डालने के, अपनी क्षमताओं को विकसित कीजिए, अच्छी क्वालिटीज विकसित कीजिए अपने अंदर। उसके बाद जो सिलेबस वाला पार्ट है दोस्त, एक दिन मेरी कोरा प्रोफाइल पर जाना और या निर्माण आईएएस के स्पेस कोरा प्रोफाइल पर जाना, आपको सारे आंसर्स बकायदा लिखे होंगे। मेरा छोड़िए, हजारों लाखों लोगों ने रिप्लाई कर रखा होगा, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है और मैं वो ना ही करना चाहूंगा आपके साथ, कि जब बात कर रहे हैं दोस्त तो कुछ ऐसा निकल कर आए जिसको वाकई में जिया गया है, जिसको वाकई में संभव किया गया है। तो मोमेंट को इवेंट बनाना और इवेंट को मोमेंट बनाना कैसे सीखना है, ये एक दिन या एक रात का कार्यक्रम नहीं होता है, 24 घंटे पढ़ने का कार्यक्रम नहीं होता है, ये आपके अंदर की क्षमताएं होती हैं दोस्त। तो पहले इन पर काम कीजिए। अभी आप 10+2 में है ना, 11th में है, कोई बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो इन लोगों के लिए है ना, ये क्षमताएं अपने अंदर विकसित करेंगे तो आपको नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और वट एवर यू विश टू बी इन योर लाइफ। ओके दोस्त, तो आज के क्लास का लबो लुआब यही है कि हमने तो ये कर दिया, अब आपके मन में क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है? अच्छा लग रहा है या जैसा भी आपको लगा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके बाद आपको क्या अब रिक्वायरमेंट है? ऐसा भी होगा ना सर कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि उपेंद्र सर आएंगे और ऐसा वाला बम फोड़ देंगे आके, ठीक है? ये तो अनएक्सपेक्टेड था, कोई बात नहीं है। आपको अब जो लग रहा है अब हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ये पर्टिकुलर मेरा क्वेश्चन है और इसको एड्रेस कीजिए। आज भी रणनीति वाला क्वेश्चन ही एड्रेस हुआ लेकिन मेरे तरीके से हैंडल हुआ है, ठीक है? तो इसके अलावा आपके दिमाग में और भी कुछ क्वेरीज आ रही हैं तो आप उनको भी पूछते रहिए, लगातार इस प्रक्रिया से जुड़ने की कोशिश कीजिए, आपको मजा आएगा। तो आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन एक्चुअली, ओके? ये भी जब हम रूरल कैंपेन कर रहे थे उस टाइम ये मेरा पार्ट था और आई रियली एंजॉयड इट, है ना? तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, यही आखिर लाइफ में करना होता है, यही ट्रेट्स डेवलप करने की कोशिश कीजिए। रिगार्डिंग द यूपीएससी अगर कोई आपका पर्टिकुलर क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी शनिवार रात 8 बजे हम लोग मिलते ही हैं, नीचे मेरा नंबर दिया है, आप लोग अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उस नंबर पर कॉल करके अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। आजकल काफी कॉल्स आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपका टाइम ऐसा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, लेकिन कोशिश करता हूं मैं सारे बच्चों से बात हो पाए। ओके डियर, तो मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। टिल देन, व्हाट टिल देन, डोंट वरी, डोंट हेजिटेट, गेट इन टच विद अस। टीम निर्माण आईएएस इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। गुड लक।